जेम सर प्लीज स्टेज पर। तो मैं इस ट्रेलर का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं, क्योंकि गाना जब मुझे बुलाया जेम सर ने मुझे बुलाया रिकॉर्डिंग के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि क्या है गाना, कैसे मतलब मूवी का मतलब क्या चल रहा है। अभी सर ने मुझे ये गाना बताया कि ये गाना हमें तुम्हें गाना है, मैंने कहा बिल्कुल सर। इस पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे रघु जी को, पंकज जी को, नुपुर जी, गिरीश जी और हमारे आशुतोष जी और हमारे डायरेक्टर साहब तरुण जी। आप लोगों के मेहनत से एक फिल्म काफ़ी अच्छी बन गई है और हमने भी कोशिश की है। अब क्या है, हमने कोशिश की, आप देखिए आप लोगों का हमारा गाना पसंद आता है या नहीं है आपके ऊपर है, लेकिन हमने अपनी जान लगा ली है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग देखिए। थैंक यू। सॉरी मैं अगर नाम नहीं ले पाया ज्यादा, मुझे नाम भी शायद नहीं पता कुछ, बट सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सभी का जो सर ने नाम लिए, मेरी तरफ से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। एक बार जोरदार तालियां ब्लैक बोर्ड वर्सेस व्हाइट बोर्ड की टीम के लिए, सभी मेंबर्स के लिए। रूप सर प्लीज। ब्लैक बोर्ड की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और ये सब्जेक्ट ऐसा है प्राइमरी स्कूल का, उनकी खस्ता हाल का, उसमें बस एक शेर अर्ज करके मैं खत्म करना चाहूँगा। बहुत पहले लिखा कि खजान, ये गाना भी नया है, सिंगर भी नया है, लेकिन लेकिन अब बहुत फेमस होने वाले हैं, सो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट हम बुलाते हैं विक्रांत भारतिया को। We'll be right back.
इस डेफिनेटली ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देना ज़रूरी है, क्योंकि क्या कहते हैं, सोशल इश्यूज पर या सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भाष्य करने कई सारी फिल्में बनती हैं, बनती नहीं ऐसा नहीं है, बट ऐसे मुद्दों के ऊपर जब सिनेमा बनता है तो सिनेमा केवल मनोरंजन ही है, ये मतलब मनोरंजन का माध्यम है, ये सोच तो डेफिनेटली होनी चाहिए। बट ऑडियंस की ये भी एक जिम्मेदारी है कि जब इस तरह का कोई सोशल इश्यूज या ऑबिट कुछ चीज़ें वर्क होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में ऐसे सिनेमा के सब्जेक्ट के ऊपर लोगों का ऑडियंस का कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता जाता नज़र आ रहा है। और क्या कहते हैं उसे, केवल कमर्शियल मतलब ये जो व्याख्या होती है कि मेकर्स लोगों की जो ड्यूटी होती है कि ऑडियंस के लिए वो सिनेमा बनाते हैं, तो हर एक मेकर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो इस तरह के सब्जेक्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसे सिनेमा बनाने वाले मेकर्स का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आर्टिस्ट को भी एक्ट्रेस को भी एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सिनेमा के अंदर मतलब हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ चीज़ें परफॉर्मिंग लेवल पे, मेकिंग प्रोसेस मतलब मेकिंग लेवल पे सब्जेक्ट वाइज काफ़ी कुछ डेवलप होता जाता नज़र आ रहा है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। वैसे एक्टर की जो भूख होती है वो हमेशा अपने आप को तराशने का मौका जो कैरेक्टर उसको देगा, जो कैरेक्टर एक्टर की नींद उड़ा देता है, जो कैरेक्टर किसी एक्टर को रात दिन उसके प्रति सोचने के लिए मजबूर कर देता है, वैसा कैरेक्टर अगर किसी भी एक्टर को मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जो कला मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड का कोई भी हो, किसी भी चाहे स्पोर्ट्समैन हो या एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई किसान भी हो, किसान की अगर बात करें, बारिश ठीक से हुई नहीं है फिर भी उसने अपने दिमाग से कोई फसल अगर सही तरीके से निकाली है तो उसकी खुशी उसको डेफिनेटली मिलती कि मेरे एक्सपेरिमेंट को वर्क होते नज़र आता है उसको। तो एक्ट किसी भी फील्ड के किसी भी आदमी को जब उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसकी खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आनंद मिलता है उसको, ये आनंद सबसे ताकतवर होता है, वो रोज़ उसको अपने आप को अंदर झाँक के देखने के लिए मजबूर करता है, उसको ढूंढने के लिए मजबूर करता है। और एक ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किरदार निभाते समय राइटर के उस भाषा को, राइटर के उस कहानी को डायरेक्टर जब नरेट करते हैं तो एक्टर को एक नया जीवन, उस एक नए जीवन की अनुभूति उसको हर किरदार के ज़रिए मिलती है। और ये हम जैसे लोगों का सौभाग्य होता है कि एक ही जीवन में ऐसे बहुत सारे जीवन जीने के मौका मिलता है। वैसे बहुत सारे मेकर्स हैं कि जो समाज के अंदर जितनी भी सारी बेकार घटनाएं घटती हैं उसके ऊपर भाष्य तो डेफिनेटली करते हैं। एक कमर्शियल मूवी के अंदर भी हमारे रोहित शेट्टी सर को ऐसा लगा कि एक रेप के इशू को उन्होंने उठाया, बट साथ ही साथ उन्होंने लोगों का मनोरंजन भी किया, जाते जाते एक हर एक इंसान को अपने अंदर झांकने को, झाँक कर देखने को मजबूर कर दिया उन्होंने। वैसे बहुत सारे मेकर्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यही एक ऐसी सिनेमा इंडस्ट्री है जहाँ पे हर एंगल से सिनेमा डेवलप होता नज़र आ रहा है। थैंक यू। रघु सर का तो एक्चुअली बचपन से बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, आज भी हूँ और आने वाले समय में मैं रहूँगा, क्योंकि वो हकीकत में मेरे गुरु समान है। और मुझे इस बात का कभी ऐसा कभी लगा नहीं था कि मेरे जो करियर की शुरुआत में मैंने कभी ऐसा मुझे नहीं हुआ था कि मैं उनके साथ परफॉर्म कर सकूँ। जी, इस फिल्म में मेरा किरदार है एक रिपोर्टर का, और इस फिल्म में मेरी फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू है ये फिल्म, और पहली फिल्म में मैंने रघुवीर सर, अशोक समर्थ सर, पंकज झा सर और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला,
मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ और मुझे मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग आए इस मूवी को देखें और आई होप कि सबको पसंद आए मूवी। तो शूटिंग का अनुभव कैसा था और क्या दिखाने की कोशिश की गई इस फिल्म में, क्या कहानी है, मतलब शिक्षा को बनाया गया एक मुद्दा क्या है? मूवी का जो स्टोरी है वो आप लोगों को ट्रेलर देख के अनुमान लगा सकते हैं कि मेनली शिक्षा के ऊपर की सरकारी स्कूल का क्या हाल है। जो हम लोग अर्बन सिटीज़ में रहते हैं हम लोगों को नहीं पता चलता है कि जो सरकारी स्कूल जो गांव के बहुत भीतर के गांव में क्या हाल होता है। तो उसी जो छवि है वही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये इतनी अच्छी टॉपिक और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। क्या इस फिल्म के बारे में क्या किरदार निभा रहे हैं और रघुवीर यादव से बेटर कलाकार हैं इस फिल्म में? सर मैंने इसमें एक टीचर का किरदार निभाया है और रघुवीर सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत पुराने कलाकार हैं। हाँ, और भारत में सरकारी स्कूलों की जो छवि है बहुत ख़राब है, उसको सुधारने की कोशिश की गई है, दिखाया गया इस तरीके की कि हाँ हम एक ख़राब स्कूल को कैसे एक अच्छे स्कूल में कर सकते हैं। इसलिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जब लोग देखने जाएंगे पढ़ते पर कि क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव आएगा लोग की सोच में शिक्षा को? सर अब बदलाव कितना आएगा वो तो पब्लिक है डिसाइड करेगी इस चीज़ को, लेकिन बदलाव ज़रूर आएगा। मैं तो चाहती हूँ कि हम लोगों के जो जो लोग काम कर सकते हैं, यू नो आप लोग भी इस फिल्म के लिए बहुत यू नो अच्छा अच्छा लिखिए ताकि सब लोग देखने आए मूवी को। तो तभी मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रचार होगा तभी मूवी को भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और वो मूवी नो डाउट अच्छी है और गाने भी अच्छे हैं इसके, कॉमेडी भी है और कंटेंट सबसे बड़ी की कंटेंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और हम लोग तो यही चाहेंगे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखे। हमारी एक अभी फिल्म आई है अतुल कुलकर्णी, दिव्या दत्ता और हम, 709 देख के आइए। और एक फिल्म रिलीज होने है एंड काउंटर और उसके बाद जंक्शन बनारस भी आएगी, तो 709 जाके ज़रूर देख के आइए, आप हतप्रभ हो जाएंगे कि कितनी बढ़िया फिल्म है। अतुल कुलकर्णी, दिव्या दत्ता और हम लोगों ने किया है। और अब नए बच्चे यंग जनरेशन आ रही है और अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छी क्रिएटिविटी है, पढ़े लिखे हैं और कुछ कर गुजरने के लिए बेताब हैं, तो उनके साथ भी मुझे काम करना अच्छा लगता है और मैं तो नई जनरेशन के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि नई जनरेशन के साथ अगर हम बच्चों के साथ मिलते हैं तो हम भी और भी जवान हो जाते हैं। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, ये लोग जीतते रहें और अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें और हमें भी काम देते रहें। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी बात आपने बोली जब गाने का परफॉर्मेंस हो रहा था, तो आपने कहा कि मोदी जी को गाना कैसे दिखाइएगा, इसके पीछे की वजह मैं जानना चाहूँगा, आप ऐसा क्यों बोले और क्यों मोदी जी को गाना दिखाना चाहते हैं? आज की जनरेशन मोस्टली बच्चों में गुटखा खा के बर्बाद है, समझे आप, सिगरेट के पीछे बर्बाद है, तो कम से कम व्यसन की तरफ न जाएं, है ना, उनका जो आसन है, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसकी तरफ जाएं। और ये शिक्षा को बढ़ावा देगी ये फिल्म, स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे बच्चे, तो इसीलिए मैंने ये कहा। और ये एक सच्चा आदमी है मोदी जी, सच्चे आदमी हैं, भारत के कर्णधार हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो उनको दिखाएंगे तो इसका और भी अच्छा प्रचार होगा, इसको और भी अच्छा स्थान मिलेगा और ये जन जन तक पहुंचेगी। और हम तो चाहें कि इसको और कई लैंग्वेजेस में ले जाके इसको रिलीज़ किया जाए। ये है ऐसी फिल्म, बहुत ही शिक्षाप्रद फिल्म है। हम तो माननीय मोदी जी को ही चाहेंगे, किसी के बस की बात नहीं है, किसी में इतना गट्स नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियों को मैं देख चुका हूँ, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने तो और बिगाड़ा है। एक आदमी कंस्ट्रक्टिव करने के लिए आया है और चाणक्य कहता है ना कि जब किसी एक व्यक्ति के पीछे सारे विरोधी एक हो जाएं तो समझ लो कि वो व्यक्ति जो है अच्छा काम कर रहा है। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार। धन्यवाद।